हेलो फ्रेंड्स, ऑनेस्ट व्यंजन में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच एक नए नाश्ता के साथ। आज का मैं नाश्ता बनाऊंगी गेहूं के आटे और आलू से, कोई मैदा का नामो निशान नहीं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है ये 250 ग्राम गेहूं का आटा है और सूजी है 50 ग्राम और ये धनिया है कटा हुआ थोड़ा सा। अब हम स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे नमक, आधा चम्मच डालूंगी मैं चिली फ्लेक्स और 2 चम्मच के करीब मैं डाल दूंगी रिफाइन तेल और सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। सारा चीज मैंने मिक्स कर लिया है। मैं थोड़ा सा आटा इसमें से निकाल करके अलग रख दूंगी। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंद लूंगी और इसको मैं टाइट गूंदूंगी, नरम नहीं रहेगा आटा हमारा। तो ये देखिए हमारा आटा तैयार हो चुका है गूंद करके। तो अब मैं चलूंगी आलू का स्टफिंग तैयार करने। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये 3 आलू उबाल लिया है और इसको मैश कर लिया है और ये थोड़ा सा धनिया है इसको मैंने बारीक काट लिया है, ये 3 मिर्ची है और ये लहसुन की 3-4 कलियाँ हैं जिसको मैंने छील लिया है। अब मैं इसको मैशर में डाल करके इसको मैश कर दूंगी। अब मैं गैस को ऑन करूंगी और कढ़ाई को गर्म होने दूंगी। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा तेल, 1/4 चम्मच डालूंगी मैं जीरा, 1/2 चम्मच डालूंगी मैं अजवाइन, इसमें लहसुन और मिर्ची। थोड़ा सा डालूंगी मैं हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच के करीब और मैं इसमें आलू डाल करके और मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया और स्वाद अनुसार मैं डालूंगी इसमें नमक। ये मैं डाल दूंगी इसमें नींबू का रस, अब आप आमचूर भी डाल सकते हैं और इसको मैं अच्छे तरीके से अब मिक्स कर दूंगी। अब जो मैंने आटा रखा था उसका मैं घोल तैयार कर लूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मैं घोल लूंगी। देखिए हमारा घोल तैयार हो चुका है। तो मैं अब चलती हूँ। ये देखिए हमारा आटा भी तैयार है। तो मैं इसको अच्छे से मल करके इसको मैं बेल लूंगी। उसको बेल लूंगी तब तक मैं इधर कढ़ाई रख करके गैस जला देती हूँ ताकि हमारा कढ़ाई भी गर्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने बेल करके तैयार कर लिया है इसको। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर से काट करके हटा देंगे। ये देखिए मैंने चारों साइड से काट करके तैयार कर लिया है इसको चकोर। अब मैं इस पर स्टफिंग लगा करके इस प्रकार से आलू पर डाल करके पूरे इसमें फैला देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया है चारों तरफ से। अब मैं इसको इस तरह से रोल बना लूंगी।
मैंने रोल बना लिया है। अब मैं इसको मैं इस तरीके से इसको काट ली हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे चपटा कर दूंगी। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और इसको मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें डिप करूंगी और इसको मैं डीप फ्राई कर दूंगी। एक एक करके मैं सारे को डीप फ्राई कर लूंगी। देखिए दोस्तों, हमारा नाश्ता बन करके बिल्कुल तैयार है, एकदम खाने में स्वादिष्ट और क्रिस्पी। और जब भी आपको समोसा या कचौरी खाने का मन करे तो आप ये नाश्ता बनाइए और समोसा का स्वाद पाइए, और झटपट तैयार भी हो जाता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।